कपिल शर्मा का कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी इसके फैंस मौजूद है। इस शो के बदौलत ही कपिल शर्मा को कॉमेडी किंग का टाइटल मिला है और इसके किरदार भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। शो पर अमिताभ बच्चन से लेकर एआर रहमान तक कई बड़े कलाकार अपनी फिल्मों का प्रचार करने पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्हें शो पर आने का निमंत्रण दिया गया था लेकिन उन्होंने किसी न किसी कारण उसे ठुकरा दिया। हाल ही में ये शो तब चर्चा में आ गया जब शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने इसे फुहत्ता और अश्लीलता से भरा हुआ बताते हुए कहा था कि उन्होंने इस शो पर आने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं जिन्होंने इस शो पर आने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मुकेश खन्ना ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए बयान दिया था कि इस शो के रामायण एपिसोड में कपिल शर्मा ने कुछ ऐसे कलाकारों का अपमान किया है जिन्हें देवी देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उन्होंने कहा था कि ये शो अश्लीलता से भरा हुआ है और इसीलिए उन्होंने इस पर जाने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। तो वहीं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को लेकर भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि उन्हें कई दफा इस शो पर आने का निमंत्रण भेजा गया था लेकिन वो किसी न किसी कारण यहाँ आने से इनकार करते आए हैं। तो वही भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बायोपिक फिल्म का प्रचार सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर किया था। सोशल मीडिया पर उन्हें इससे जुड़े कई वीडियोस भी शेयर किए थे। हालांकि उन्होंने द कपिल शर्मा शो पर आने का प्रस्ताव मिला था लेकिन उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया था। वही दोस्तों, आपको बता दें कि धोनी के अलावा सचिन तेंदुलकर को भी उनकी बायोपिक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए इस शो पर आने का निमंत्रण दिया गया था। ये निमंत्रण खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें दिया था लेकिन इसके बावजूद अपने बिजी शेड्यूल के चलते सचिन तेंदुलकर ने यहाँ आने से मना कर दिया था और वो यहाँ नहीं आए थे। वही इसी के साथ उनकी पत्नी भी इस शो पर उपस्थित नहीं हो पाई थी। इसके अलावा गाने का शौक रखने वाले कपिल शर्मा की दिली ख्वाहिश थी कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर उनके शो पर आए, जिसके लिए उन्होंने लता मंगेशकर के अपार्टमेंट के नाम पर उन्हें निमंत्रण भेजा था लेकिन उन्होंने यहाँ पे आने से मना कर दिया और कपिल शर्मा की ये इच्छा अधूरी रह गई थी। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।